मार्केट में भी क्या हाल है, कैसे आप सब आए हो? तो आप ठीक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और रमजान का महीना है, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई है कि बता नहीं सकती। तो जी, आज मुझे अभी टाइम मिला है, अभी बज रहे हैं 3:30, समझो तहज्जुद का टाइम है। अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ये देखो मेरे काम। तो सारा दिन यही होता है कि सारा सारे रात जागना और सारे सारे दिन सोना। क्योंकि कराची वाले ऐसे ही करते हैं कि सारी रात जागना सारे दिन सोना, और फिर सारी रात जागते हैं, फिर सुबह 3 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ेंगे, और फिर गेट थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं, सारा दिन मतलब घर के कामों में, या फिर मतलब स्टडी करना। तो इसकी वजह से मेरे व्लॉग बनाती नहीं हूँ, फिर दिल भी नहीं करता। एक तो रोजे के बाद है ना, बंदे को दिल भी नहीं करता कि मोबाइल उठा के कुछ व्लॉग अपलोड करें या व्लॉग शूट करें या व्लॉग बनाए। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं व्लॉग्स बनाऊं या कुछ। इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो फिर अभी जाके मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत व्लॉग ही बना लेती हूँ। क्योंकि आज हम लोग गए थे मार्केट, मॉल गए थे, RTM मॉल गए थे। क्योंकि भाई पापा ने बोला कि ना तुम लोग जाके शॉपिंग कर कर आ जाओ, फिर भाई के साथ चले गए थे हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, मॉल वगैरह गए थे शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत जैसे चीज़ें थी वो ले, कपड़े वगैरह लेके हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, सैंडल, पर्स, मेहंदी वगैरह हर चीज़ बाकी है। ये तो चांद रात तक शॉपिंग चलेगी चलेगी। तो फिर है ना, जैसे कपड़े लेकर आ गए, तो इतने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, और महंगे भी थे, महंगे तो हद से ज़्यादा महंगे थे कपड़े। तो जो आया समझ में वो ले लिया, और क्या बोलते हैं, ये देखो ये कि फिर इसके बाद हम लोग है ना, फिर मेरे भाई मुझे हम लोग को ना वहाँ पर लेके गए होटल में, है ना, खाना खाने के लिए, जैसे रोल वगैरह ना, जैसे वो खिलाने के लिए लेकर गए। तो बोले हाँ चलो तुम लोग को लेकर जाता। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं की और पूछ पूछ कहीं तो लेकर जाओ भाई, इतने काफ़ी सालों बाद मैं जा रही हूँ और तुम लोग को अभी पूछ रहे हैं कि चले। मैंने कहा नहीं चलो, बस जहाँ चलना है चलो। वहाँ लेकर गए ना, जैसे कि वो रोल पॉइंट वगैरह पे लेके गए थे, वहाँ पर रोल वगैरह, बर्गर शर्गर सब कुछ खाया हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोग ने जाकर सी व्यू का, क्योंकि सी व्यू इसलिए गए थे क्योंकि हमारा जो घर है, ये वाला जो घर है रेंट रेंट पे जो रह रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने ही हमारे घर सी व्यू है, ये थोड़ा सा आगे। तो उसने बोला कि चलो वहाँ देखो तुम लोग को लेकर जाता हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर लॉन्ग ड्राइव पे गए, फिर इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया भाई। घर आने का दिल भी नहीं कर रहा था कि घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। मैं वैसे ही हो गई थी, मैंने कहा घुमाते रहो मुझे। तो कहते हैं ना 12 बज गए थे रात के, तो फिर हम लोग घर पर आए। घर पर जैसे आए तो मुबीन खान ने बोला कि भाई चाय बना कर दो, चाय का ऑर्डर दिया मुझे, और फिर कैसे खुद सो गया, मैंने चाय बनाई सो गया। मैं कब सो गए तो फिर चाय की बनवाई। चलो खैर, अम्मी और मैंने चाय वगैरह पी और जो कपड़े लेके आए वो देखे। अभी आप लोगों को वही कपड़े दिखाएंगे जो हम लोग कल लेकर आए थे रात को, ईद की शॉपिंग में दिखाती हूँ अपनी। चलो जी, हम लोगों ने ईद की शॉपिंग की थी, सिर्फ अम्मा और मेरी, जुनेद लोगों ने कपड़े सिलवा लिए, सिर्फ जुनेद के नहीं स्टिच हुए, क्योंकि जुनेद बोला था कि मैं ना रेडीमेड ही लूँगा। और है ना क्या बोलते हैं, मुबीन और उस्मान ने वहाँ से सक्कर से सिलवा लिए थे स्टिच करके, और अब्बू ने भी वहीं से स्टिच करवाए, क्योंकि अभी मेरी और अम्मी की शॉपिंग रहती थी। अभी तो जूते बूते कपड़े, वो सॉरी कपड़े बोल रही हूँ के पर्स वगैरह अभी तो रहते हैं, और जो हम लोगों ने किए सिर्फ हमने ना वो कपड़े लेकर आए, वो दिखाते कि कौन कौन से कपड़े लेकर आए। मैं ज़्यादातर लेती भी हूँ पॉपुलर के ना, इसके ज़्यादा इसका ब्रांड है ना बहुत अच्छा है, 3-3, 4-4 साल पहनने ना वैसे के वैसे ही होता है, ना फटते हैं ना कलर जाता है ना कुछ भी, बहुत अच्छे। इसकी कंपनी है, मैं इसी कंपनी के ही कपड़े लेती हूँ। तो फिर मैं और इसके कपड़े ये है कि रिजनेबल भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से ड्रेसेस लेकर आई हूँ। दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है, ये शर्ट है और ये ट्राउज़र है इसका, और ये भी सेम इसी की तरह ही है। मैं आपको ये भी खोल के दिखाती हूँ। और एक ये वाला ड्रेस है, ये दुपट्टा है इसका, ये दुपट्टा है ना ऑरेंज कलर का, और है ना ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है।
ये दो ड्रेसेस मैं लेकर आई थी। अम्मी के जो ड्रेसेस हैं वो अम्मी आपको खुद दिखाएंगी अपने व्लॉग में, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, अम्मी खुद अपने कपड़े दिखाएंगी, मैं सिर्फ अपने कपड़े दिखाऊंगी। मुझे अपने कपड़े दिखाने का बड़ा शौक है। और ये वाले जो है ये एक मैक्सी है, क्योंकि मुझे ना आने जाने के लिए चाहिए थी मैक्सी, क्योंकि मार्केट वगैरह पे जाती हूँ ना, तो फिर इसकी वजह से मुझे मैक्सी है ना पहननी होती है, तो इसकी वजह से ना वह ना मैक्सी से क्या होता है बंदा रिलैक्स होता है ना, रिलैक्स होके चला जाता है बंदा ना, तो इसकी वजह से मैंने ये मैक्सी ले ली। क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, बोली क्या ले रही हो ये मैक्सी वगैरह, तो मैंने कहा अम्मी ने मुझे बहुत लेनी है, मुझे बहुत पसंद है ऐसी मैक्सी ना, तो ये एक ये वाली मैक्सी ली थी। बस ये दो कपड़े, दो ड्रेसेस और है ना एक मैक्सी ली थी ये वाली। तो आप लोग को अगर मेरी यही थी मेरी ईद के ड्रेसेस, ईद की शॉपिंग अभी तो बहुत बहुत सारी करनी है, बस ये थोड़ी बहुत जो भी समझ आई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसकी वजह से जो समझ आया वो मैंने ले लिया। खैर बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई, तो क्या बोलते हैं अगर आप लोग को भी पसंद आई मेरे ड्रेसेस, मेरी ईद की ड्रेसेस, तो फिर आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लगे। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और तब कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।